दोस्तों, अमेरिका में फिर से बजेगा पीएम मोदी का डंका। हाउडी मोदी कार्यक्रम के लिए प्रवासी भारतीय कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर यानी आज अमेरिका के ह्यूस्टन में एक बड़ा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम है हाउडी मोदी। मोदी इस कार्यक्रम में भारतीय मूल के करीब 50,000 लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है और पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच के रिश्ते को भी ज़्यादा मजबूत होंगे। पीएम मोदी इस दौरे पर कई सारे द्विपक्षीय मामलों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे और इससे भारत और अमेरिका के लिए आने वाले समय में कई सारे अहम मुद्दे भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि आगामी यूएसए यात्रा में विभिन्न उच्च स्तरीय कार्यक्रम शामिल हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों और मजबूत करेंगे। महत्वपूर्ण बहुपक्षीय कार्यक्रम और भारतीय समुदाय के साथ साथ व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत भी होगी। इसी बीच अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर मनीष रुंगटा ने अमेरिका में रह रहे भारतीय के डॉक्टर की तरफ से पीएम मोदी से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं और भी ज़्यादा बेहतर हो। हम चाहते हैं कि भारतीय डॉक्टर हमारे संपर्क में आए और हम एक दूसरे को ट्रेंड कर पाए, लेकिन ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीय डॉक्टर हमारे यहाँ आए और यहाँ से जो सीखे वो उसे भारत वापस लेकर जाए और भारत के मरीजों को बेहतर तरीके से इलाज कर सके, लेकिन ऐसा करने का कोई जरिया नहीं है। अभी तक तो हम चाहते हैं कि पीएम मोदी कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे दोनों देशों के डॉक्टर्स एक दूसरे से मिले और भारत की स्वास्थ्य सेवाओं और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके लिए पीएम मोदी कोई रास्ता निकाले।